झारखंड कांग्रेस के सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने से आयकर विभाग ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक नकदी राशि जब्त की है। खरगोन में आज देर शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। स्थानीय श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहे पर सांसद साहू के पुतले दहन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण इंगले का कहना है कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के पास 300 करोड़ रुपए की राशि निकली है। नोट गिनने की मशीन भी नोट नहीं गिन पा रही है। भ्रष्टाचार निरोधी दिवस और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस सांसद का पुतला फूका है। कांग्रेस सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपए मिलने से सिद्ध हो गया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस। पुतला दहन किया, नारेबाजी की, क्या है कहना आपका? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, जो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार, 300 करोड़ से ऊपर का भी भ्रष्टाचार मालूम अभी पड़ा है, क्योंकि आज का है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भी है और कांग्रेस के राजमाता सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में आज ये भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। तो कांग्रेस जो अपने आप को पाक साहब कहती है, आज उसका चेहरा सामने आ गया है कि उसके सांसद द्वारा 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई मशीनें वो नोट को गिनने में खराब हो रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं पुतला दहन करने? हम जनता जनार्दन के बीच में आज उनका पुतला जलाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि देख लिए कांग्रेस की नीति और नीति को कि कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया होगा जब जाके 300 करोड़ उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण इंगले, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।